उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि 317 ग्राम अवैध स्मैक के साथ तीन नशा तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा थाना सिविल लाइन कोतवाली रोड की जनपद हरिद्वार क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए रुड़की रोडवेज बस स्टेशन के पास से तीन व्यक्तियों को मोटरसाइकिल सहित 317 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि बरामद स्मैक को वह बरेली उत्तर प्रदेश से लेकर आए थे। पूछताछ में हरिद्वार निवासी तस्कर शहजाद और आजाद ने बताया कि उन्होंने स्मैक बरेली से मंगवाई थी, जिसे रईस अहमद बरेली से लेकर आ रहा था। इस वर्ष अब तक एसटीएफ की एनटीएफ टीम द्वारा 47 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 16,15,40,000 रुपए मूल्य की स्मैक, 39,61,000 रुपए मूल्य की चरस, 10 लाख रुपए मूल्य एक से का गांजा, 15 लाख रुपए मूल्य का डोडा पोस्त, 5 लाख पत, 30,000 रुपए मूल्य की अफीम एवं करीब 4.5 लाख रुपए मूल्य की एमडी, कुल लगभग 15 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स को बरामद करने में सफलता पाई है। ये उत्तराखंड एसटीएफ की एनटीएफ यूनिट ने ये 317 ग्राम स्मैक बरामद की है और इस संबंध में कोतवाली सिविल लाइंस हरिद्वार में केस रजिस्टर हुआ है और तीन अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें दो अभियुक्त जो है शहजाद और आजाद, ये लाडपुर लक्सर के रहने वाले हैं और एक जो सप्लाई इनको कर रहा था, लेके आया था जो बरेली से रईस, वो इसमें अरेस्ट हुआ है।